जय बम्बलेश्वरी मैया। हाँ माता रानी का प्रसाद भी इतना मस्त है, क्या बताओ क्या व्यू आ रहा है। हेलो गाइस, दूसरे पार्ट को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी अभी हमने एक वीडियो को एंड किया है, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में और पार्किंग में हमारी कार लग चुकी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रोप वे के पास और यहाँ पे अभी हम लोग को टिकट ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर पहाड़ में। हम लोग सोच रहे हैं टिकट ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पापा वेट कर रहे हैं अभी पार्किंग के लिए, एक कार निकलेगी तब होगी हमारी कार पार्क। यहाँ पे हमें पहले टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग को जाना है रोप वे के पास। टिकट ले लिया और 220 हमारा नंबर है, तो इस जब ये बुलाएंगे तब हमको जाना है। जब तक हमारे पास समय है तब तक हम प्रसाद उसाद ले लेते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने। ये रहा प्रसाद शॉप्स और हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं, शायद हमारा नंबर भी आ जाए। अब अभी हाँ हमारा नंबर 220 है और यहाँ पे कुछ 175 कुछ चल रहा था अभी। ये हमने ले लिया प्रसाद, 100 रुपीज पड़े हमको ये। यहाँ पे टिकट काउंटर, ये है एंट्री गेट। यहाँ पे आपको होटल भी दिख जाएगा लेकिन हमको होटल नहीं, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। और ये देखो यहाँ पे स्टेयर्स भी अच्छी खासी बनी है और यहाँ पे लिफ्ट भी है, लिफ्ट से भी जा सकते हैं हम लोग, पर ज्यादा दूर नहीं है इसलिए हम लोग सीढ़ी से चल लेते हैं। ये आ गए, तो यहाँ पे वेटिंग एरिया बनाया गया है। ये रहा रोपे का एरिया, यहाँ से बैठाते हैं, लेकिन अभी हम लोग को पहले रेस्टरूम में जाना है, उसके बाद जब हमारा नंबर आएगा तब हम लोग जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन ज्यादा है और अभी हम लोग सब बैठ गए यहाँ पे वेटिंग रूम में, हमारा जब नंबर आएगा तब हम लोग जाएंगे। और बेबी को देखो, महारानी जैसे डबल ट्रिपल कुर्सी में बैठी हुई है, आज बेबी लग भी महारानी रही है एकदम। जल्दी आएगा बेबी। प्रसाद लेते समय हमने पट्टी भी ले ली थी, ये जय माता दी वाली, तो इसको बांध लेते अपन और फिर और भी भक्त लगेंगे, सच्चे भक्त। तो हमारी जय माता, जय माँ बम्बलेश्वरी, भक्त माता रानी, देखो ना रेड रेड पूरी माता रानी। हाँ रानी क्या दिख रही हो, चुड़ैल दिख रही है, चुड़ैल अच्छी दिख रही है भाई, अच्छी दिख रही है। गाइस मैं भी बना लेता हूँ, देखो इसको ऊपर करो, बाद में अच्छा लग रहा है भाई, बेबी को दे। तो गाइस कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बता देना। बेबी को भी देख लो, रन्नू को भी देख लो, मम्मी नहीं लगाई है, बच्चे लोग के लिए हम लोग लगाए हैं। जय माँ। तो गाइस 218 हो चुका है, बस हमारा नंबर आने वाला है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अपने नंबर के लिए। दिखाते हैं आपको, झूले में बैठेंगे बस, उसका वीडियो बनाएंगे और बस होने वाला है बेबी। हमारा नंबर आ चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं आराम से चलते हैं। ये देखो पापा भर गए हर बड़ी, अब बैठेंगे हम लोग रोपवे में। यहाँ पे हमारा टिकट चेक हो रहा है, हमने आना जाना दोनों का लिया है, तो आते समय भी ये टिकट यूज हो जाएगा। जो मैं आपको रेट बता देता हूँ एक बार, आने और जाने का 100 रुपीज था और सिर्फ जाने का 70 रुपीज था, तो आपको आना जाना सस्ता पड़ेगा। ये कैसे फंक्शन करता है, बीच में इतना बड़ा व्हील चल रहा है और ये देखो ये रोप आता है और फिर ये जो है ना, ये यहाँ पे अभी ये अपने धीरे धीरे आएगा, अब ये जो है रोप पे चढ़ जाता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो स्पीड पकड़ लिया झूले ने, जब ये रोप पे चढ़ जाता है तो ये रोप से अटैच हो जाता है, फिर उसके बाद स्पीड में ये निकल जाता है। तो कुछ ऐसा इसका फंक्शन है और बीच में आपको दिख रहा होगा इंजन भी लगा है, तो वो अभी चल रहा है, तो उसी से ये ऊपर जा रहा है अभी। ये देखो गाइस कितने मस्त से ये चलता है, अब देखना ये रोप पे टंग जाएगा तब ये निकल जाएगा अपने आप स्पीड पकड़ के।
ये पकड़ ली इसने स्पीड और ये भाग गया। अब हम भी ऐसे जाने वाले हैं तो शायद हमारा इसी में होने वाला है। ये देखो इतने बड़े बड़े मोटर जनरेटर, इसको रोटेट करते हैं। अभी हम लोग बैठ रहे हैं। चलो चलो गाइस, ये देख सकते हैं ये पूरा पैक है। और अब हम लोग आ चुके हैं अंदर, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। यार आपका वजन कम हो गया कि इधर झुका हुआ है? हाँ इस साइड। तो अब हम लोग चलना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखो मोबाइल को हम लोग इससे बाहर नहीं करेंगे वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ बेबी वीडियो किसको बनाना है? ये हमने स्पीड पकड़ा। वाओ 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 गाइस वाओ गाइस वाओ, डर लग रहा है डर लग रहा है। अरे बाप रे झूल कितना रहा है ये, इतना झूल क्यों रहा है? मम्मी मेरे को डर क्यों लग रहा है पता नहीं, अच्छा लग रहा है। बाहर नहीं ले जा रहा हूँ यार, कुछ नहीं होगा। हाँ यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे बोटिंग भी है लेकिन ये झूल इतना रहा है यार मैं क्या बताऊँ। अभी आप देखो उस साइड है मंदिर, तो यहाँ पे सीढ़ी भी है, देख लो आप बाजू में वहाँ पे सीढ़ी है, तो सीढ़ी से भी आप आ सकते हैं जिसको सीढ़ी से आना है ना। रात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है, तो इसके वजह से रोप वे को बंद कर देते हैं और यहाँ पे सीढ़ी को चालू रखते हैं और सीढ़ी से ही ऊपर जाते हैं। तो पापा और मैं वहाँ हमेशा हर साल आते हैं, किसी दिन आएंगे तो ब्लॉग भी बना देंगे वहाँ का जब नवरात्रि आएगी। इस साल नवरात्रि में इसलिए नहीं आए क्योंकि कोरोना था। गाइस देखो हम लोग वहाँ से आए थे और कितने जल्दी हम लोग इतने ऊंचाई में आ गए, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। पहले जो है वो वाला रोप चालू था, ये नया बना है, आपको वो वाला दिखाता हूँ। देख लो एक बार यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। वो जो आप रोप देख पा रहे हो ना, पहले वो वाला चलता था, अभी उसको बंद कर दिया। नवरात्रि के टाइम शायद दोनों चलते हैं। देखो गाइस कितना मस्त है, रिटर्न वाला यहीं से जाएगा हमारा। और अब हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। ये लो हम लोग पहुंच भी गए। ये लो हम लोग पहुंच गए, बहुत ही जल्दी आ गए क्योंकि ये इतना हाईटेक अभी इसको नया बनाया गया है और इतना बाहर जाने। बापरे अरे बापरे, यहीं पे ये इतना हिलता है ना क्या बताऊं मैं आपको, इसके वजह से डर लगने लगता है। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो चले उतरे, अब हम लोग को वहां पे उतारेगा, ये घूमते हुए हम लोग जाएंगे। ये हम लोग निकल रहे हैं। तो ये उतर गए, अब ये चला गया दूसरे पैसेंजर्स को बैठाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं, तो अब बस पास में आ गए हैं। बस हमें 100 सीढ़ी शायद तक और चढ़नी है तब हम लोग पहुँचेंगे मंदिर। वो देखो पहले वहाँ पे था पुराना झूला और पुराने झूले से इधर आते थे, पर अभी नया ऐसा बना है। और वो देखो एक बार ऐसी हम लोग भी आए हैं और यहाँ से व्यू भी कितना अच्छा दिख रहा है, वो आपको ऊपर चल के दिख जाएगा एक बार। चलो पहले इन लोगों को देखो, ऊपर भी पहुंच गए। वाह वाह बेटा, वो देखो गाइस क्या मस्त व्यू आ रहा है। और ये देखो यहाँ पे पूरा मशीन भी है, तो देखो बंदर गाइस वहाँ पे है, वहाँ पे भी है, तो आपको तो पता होगा यहाँ पे बंदर होंगे ही। ये तो कॉमन सी बात है यहाँ बंदर रहना। तो वहाँ पे देखो सीढ़ी से आओगे तो आप यहाँ से आओ, भंडारा चल रहा है। तो अगर खाने में पेट नहीं भरा और खाने के लिए हम लोग माता का प्रसाद में भंडारा खाएंगे। यहाँ भर पेट खाना 10 रुपए में मिलता है। आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा खाने का टिकट वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पर यहाँ पे पहले हमको अपने शूज रिमूव करना पड़ेगा, और मैं जो बोल रहा था आपको खाने का वो वहाँ पे ऑफिस है। तो
मैं भी अपने शूज रिमूव कर लेता हूँ। ये यहाँ पे सेफ रहेंगे शूज। कहाँ रखे? ये रखा गया, चल तू भी रख दे। तो गाइस जो भंडारा चल रहा है ना, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑफिस से पहले टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप भंडारा कर सकते हो। और भंडारा भोग यहाँ 20 रुपए हो गया है, तो पहले 10 था, अभी 20 हो गया है, क्योंकि रेट बढ़ गया है सब चीज का। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टिकट। और हम लोग नीचे कहाँ जा रहे हैं? नीचे नहीं जाना है। जब आप सीढ़ी से आओगे तब आपको यहाँ से आप एंटर होगे, उसके बाद हमको जाना है ऊपर। चलो मैं आपको दिखा दूँ सीढ़ी कैसी है, जैसे कि अगर आप सीढ़ी से आना चाहे तो आ सकते हो। तो आप इसी सीढ़ी के रास्ते आप ऊपर आ जाओगे मेन मंदिर के पास। तो मेन मंदिर में जाने के लिए एक कॉमन सीढ़ी है। यहाँ पे बंदर बैठे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, छीन सकता मोबाइल। वो देखो यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है एक बार। अब चलते हैं ऊपर। भाग रहे बंदर भाई साहब बोल के, नंदे बच्चे पकड़ लेंगे ना तेरे को तो बहुत काट देंगे। तो अब चलते हैं ऊपर दर्शन के लिए। चलो मम्मी, यहाँ पे अगर हमारा मन किया तो 10 रुपए में भोजन कर लेंगे हम, मतलब 20 रुपए में। पहले हम लोग को यहाँ पे धोना है हाथ और पैर, जो दर्शन से पहले बहुत जरूरी है। तो चलते हैं गाइस अब ऊपर सीढ़ी की ओर। अब चाहे हम कितना भी लिफ्ट में आए, ये सीढ़ी तो चढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपको बता दूं एक बात कि अगर हम लोग लिफ्ट से भी आते हैं लेकिन आपको इतनी सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तो इतना तो आप कर ही सकते हो माता के भक्त हो तो। जय माता दी, जय माता दी। तो ये कुछ नहीं है, माता भक्त लोग और लंबा चढ़ के आते हैं। हाँ, 100 and 200 सीढ़ी होगी। हम इनको ओवरटेक कर रहे हैं। और ये सीढ़ी ज्यादा खड़ी भी नहीं है। तो सीढ़ी चढ़ते समय आपको कुछ मंदिर भी मिलेंगे जो अभी हमको रास्ते में पड़ेंगे। और सीढ़ी के पास भी आपको बंदर दिखेंगे, सामने देखो हमको दिख गए हैं बंदर। मैं मोबाइल को थोड़ा पकड़ लेता हूँ टाइटली, वरना इन लोग पकड़ लेंगे इसको, छीन सकते हैं बंदर लोग। अरे रे रे, डर लगता है गाइस। तो ये देखो यहाँ पे पूरे पहाड़ के अंदर से ऐसे बनाया गया है, ये पहले से ही बना हुआ है। छोटू सु बंदर ऊपर पत्ती खा रहा है। और यहाँ पे है मंदिर, ये भोलेनाथ जी का है। और यहाँ पे दुर्गा मैया, बम्बलेश्वरी मैया। मेन मंदिर अभी ऊपर है, तो वीडियो को अभी से मत बंद कर देना, लास्ट तक के जरूर देखना। ये देखो ये बंदर रास्ते में ही बैठा है, तो सब डर रहे हैं। आप नहीं मिलेंगे क्योंकि अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। हाँ, ऊपर कितने बैठे? यहाँ पे देखो पहाड़ पे भी बैठे हुए हैं बंदर ही बंदर। और ये देखो एक बार आप व्यू, ये बैठा है यहाँ पे। अब आपको व्यू भी दिख रहा होगा अच्छे से। अब ज्यादा दूर नहीं है, पास आ गए हम लोग मंदिर के। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है, तो ये जो एरिया है ये पहाड़ों वाला ही है। और आपको व्यू भी कैसा दिख रहा है कमेंट में बता देना एक बार। आगे भी देखो वहाँ पे भी बंदर है। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ के बंदर कुछ नहीं करते, बस अपने सामान को आप बचा के रखना वरना छीन लेंगे। तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ जब बंदर दिखते हैं तब। वो देखो 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 गाइस, अगर आप इसको इनको छेड़ोगे नहीं तो ये भी आपको कुछ नहीं करेंगे। गाइस ये देखो शांति से बैठे हुए व्यू एंजॉय कर रहा है और खाना खा रहा है अपना। गाइस ये देख सकते हो, जोर से बोलो जय माता दी। अरे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। अरे जय माता दी, जय माता दी। वो देखो मंदिर तक पहुंच गए हम लोग।
आगे पीछे देखना सही बंदा कोई दिक्कत नहीं पापा से। देखो गाइस ये पीछे आ गए इधर। अरे भाई तू क्या देख रहा है, पापा आ गया जो झोला, वरना छीन लेगा तो झोला ले लो, पाड़ वाड़ के खाना खा लेगा। ऊपर करे लो ऐसे देख रही है। हटो फोटो खींच ले तो बंदर वहां जाके बैठ गया बंदर। बाप रे खतरनाक है ये बहुत। मैं आगे जा रही निकालूंगी अभी तरह का मेरा बंदर की बंदर नहीं है। गाइस बस थोड़ी देर में हम भी दर्शन कर लेंगे, भीड़ यहाँ बहुत ज्यादा है। मेरे पीछे कहाँ से आ गया, मैं देखा नहीं है, मेरे पीछे आ गया था। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, चुरा लिया प्रसाद, चुरा लिया इसने। इधर ला इधर, हाँ इधर कुछ नहीं है। बेबी हमारी कहाँ गई तुम? अरे बेबी यहाँ क्या कर रही हो? पियो रे तुम तो एक बार देख लो अच्छे से माता रानी को आप। ये रही माता रानी जी, अब बस हमारे भी दर्शन होने वाले हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ लगी है आप देख पा रहे हो। ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है बहुत। हम अपने प्रसाद को चढ़ाने जा रहे हैं अभी माता रानी को। जय माता दी। आगे हमारा प्रसाद, चलो चले। तो अब हम लोग साइड आ चुके हैं और देख सकते हो कितना भीड़ है। हमारा दर्शन हो गया, अच्छा हुआ जल्दी। ये देखो ऐसे रसीद कटवा के भी। हाँ अगर आप यहाँ पे रसीद कटाएंगे 201 रुपए का तो यहाँ पे आपको अलग से ये द्वार खोला जाएगा और यहाँ से आपको विशेष पूजा करवानी है तो आप करवा सकते हो। इसलिए जो नीचे आपने ऑफिस दिखाया था हमने आपको, तो वहाँ से आप करवा सकते हैं ये पूजा के लिए, टिकट कटा सकते हैं रसीद। गाइस ये देखो इस खिड़की से ये व्यू दिख रहा है। अरे मम्मी वो देखो वाटर पार्क, वाटर पार्क यही है वो। तू बच्ची है कहाँ से देखेगी यार, वो जो वाटर पार्क देख रहे हो ना वही था नीचे, मैंने देखा था इसको। हाँ तो देखेंगे ना अगर जाते समय, क्या मस्त व्यू है गाय। गाइस माथा टेक लेते हैं। ये जस्ट मैया के बैक साइड वाला द्वार है। जय माता दी। तो चलो अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऐसे आप प्रसाद भी दे सकते हो, उनकी जो मन्नत रहती है ये यहाँ पूरा करने के लिए आते हैं और यहाँ पे सारे मन्नत पूरे होते हैं। जय माता दी गाइस। जय माता दी। जय माता। अब हम लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं, थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं और श्रद्धा भाव से अर्चना पूजा करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो चलते हैं, अब थोड़ा पेट पूजा कर लिया जाए, खाना वाना खाएंगे नीचे जाके। जय माता दी। गाइस इधर से हम आए थे और इधर से इसका एग्जिट एरिया है। तू भी दिख रहा है, अरे वहाँ पर यहाँ पे बंदर है। और ये देखो यहाँ से आप देखो दिखोगे सीढ़ी से जब आओगे आप तब। हवा भी क्या मस्त चल रही है यहाँ पे।
यहाँ पे देखो फिर से बंदर बैठा था यहाँ पे। अब हम लोग उतर रहे हैं नीचे, अब बस खाना खाने का मन कर रहा है, पेट भूख लग रही है एकदम। एक और बंदर, गाइस देखो बंदर बैठा है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे छुपे रहते। अभी वो रन्नू के पास आ गया था जब पाटा मारने के लिए, ऊपर भी टंगे इतना पैक किए, लेकिन अब बंदर तो भगवान के रूप ही होते हैं तो इनको कुछ बोला भी नहीं जा सकता। जय माता दी। ऐसे स्थलों में इनका आना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार कि जहाँ पे मंदिर होते हैं वहाँ पे बंदर वानर सेना बहुत होती है, तो ये एक प्रतीक है। उधर जो है नारियल तोड़वाना है जो हमको प्रसाद के रूप में वापस मिला था। क्या है यहाँ पे आपको साड़ी खरीद सकते हैं, और जो माता जी को चढ़ा रहता है वही साड़ियाँ रहती है। अच्छा, जो साड़ी माता रानी को चढ़ती है और उसे यहाँ लाके बेचा जाता है। तो ये और ये धार्मिक पुस्तक की दुकान, धार्मिक पुस्तक, आपको कोई सी भी पुस्तक पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो। और वहाँ पे हमारे पापा भी नारियल तोड़ा रहे। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, यहाँ से रास्ता है। अच्छा दिए उठो। गाइस ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी है, आप यहाँ पे जा सकते हो। ये देखो बाप रे कितना खतरनाक है ये। अभी हम लोग जा रहे हैं भंडारे का टिकट बनवाने, जो 20 रुपए थाली था, तो चलो वहाँ पे खाएंगे आज हम लोग। खाना हम लोग लाए हैं अपने साथ, लेकिन उसको बाद में भी खा लेंगे, और पहले प्रसाद ग्रहण करना जरूरी है। हाँ, तो आज जो है संडे के दिन ना यहाँ पे प्रसाद बनता है, क्योंकि मैं यहाँ से ही जो खाना बनता है वो पहले माता जी को भोग लगता है, फिर यहाँ प्रसाद के रूप में ऊपर में 20 रुपए। हाँ, तो जो माता जानी को भोग लगता है ना वही यहाँ पे प्रसाद के रूप में बढ़ता है, तो वो जरूरी है खाना, तो इसलिए हम लोग उसको भी लेंगे। या तो ये रहा ऑफिस, और यहाँ से पापा अभी टोकन निकलवा लेते हैं, उसके बाद चलते खाने। और ये देखो ये क्या है, कूलर है। हाँ ये कूलर है, ये ठंडा करने के लिए है, वाटर टैंक है, और जो ये ठंडा करता है बहुत बड़ा है। नहीं नहीं ये पूरा घूमता है अपने में। आपने देखा हम लोग इधर से एंट्री किए थे और आ गए हम लोग इधर से। चलते हैं देखते हैं पापा क्या होगा भंडारे में। अभी टोकन करवाना पड़ेगा, टोकन मिल गया है, देखो टोकन मिल गया है। अब बस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, वहाँ पे अगर भीड़ होगी तो फिर सेकंड राउंड में खाएंगे, वहाँ पे राउंड बाय राउंड खिलाते हैं, एक बार भर जाने के बाद दूसरे राउंड भी खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ रुकता है, खाना हमेशा बनते रहता है और प्रसाद चढ़ के यहाँ आता है। ओ गाइस भीड़ देखो, एक बार आप भीड़ देखो, ये है भीड़, माता का प्रसाद ग्रहण करने के लिए इतने भक्तों की भीड़ लगी है। तो इससे आपको पता चल जा रहा होगा कि कितना प्रसिद्ध मंदिर है ये, और कितनी मनोकामना लेके यहाँ पे लोग आते हैं। देख के तो लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा। अभी ये भीड़ इसलिए लगाया गया है क्योंकि दरवाजे बंद कर दिया गया है, और अंदर जो खा रहे जब वो बाहर निकलेंगे, या तो अगर खाना का खत्म हो गया होगा तब वो बन रहा होगा, तब जब वो बन जाएगा तब इस गेट को खोला जाएगा, तब अभी हम सब अंदर जाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। तब तक हम आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। ये देखो गाइस, ये जो सीढ़ी है ये जाने के लिए है, उधर से मैंने दिखाया था आपको आने के लिए, और ये सीढ़ी जाने वाली। आप भी आइए हमारे साथ, क्यों देखो भी देखना है तो आइए आप कई बार। तो गाइस एक बार व्यू देखो आप, आजा। तो गाइस एक बार व्यू देखो आप, क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये वही रोप लाइन है, देखो ऐसी हम लोग ऊपर आए थे, और अभी मैं आपको व्यू ऊपर से दिखा रहा हूँ। गाइस देख पा रहे हो कितना मजा आता है, तो हम लोग भी अंदर आए थे तो हम लोग को भी मजा आता है। और ये कितना हिलता है ना, मैं क्या बताऊं, पहले वाला इतना नहीं हिलता था लेकिन अभी वाला हिलता है। और वहां पे देख रहे हो आप रेलवे स्टेशन भी है, बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। क्या हुआ, क्या बनाना है?
रील बनाना है इसको, देखो इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए मर रही है, गजब बेइज्जती है। तो बना देता हूँ इसका इंस्टाग्राम रील, क्योंकि अभी जो टाइम है वहाँ पे मम्मी पापा वेट भी कर रहे हैं खाने के लिए। तो गाइस हम लोग वीडियो बना रहे थे और यहाँ देखो गेट खुल गया, लेट ना हो जाए जल्दी जल्दी बैठ जाते, चलो चलो। ये तो जगह था यार पीछे, अच्छा यहाँ था, यहाँ था, बैठ जाओ बैठ जाओ। गाइस हम लोग बैठ गए, बाप रे। तो गाइस हम लोग जो वीडियो बना रहे थे और मैं जल्दी दौड़ते हुए आया हूँ, हम लोग बैठ गए, गेट खुल गया था। अब बस कुछ ही देर में हम लोग खाना खा के यहाँ से निकलेंगे। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। अब रख, रख। ये ले। इतनी खुशी। ऐसी आ चुकी है पूरी और सबको मिलेगी अभी है, और ये आ रही है रस्सा वाली सब्जी, पूरी के साथ मजा ही आ जाएगा, फिर चावल भी आएगा। आहा माता रानी का प्रसाद भी इतना मस्त है, क्या बताऊं। गाइस जिसके साथ मीठे में बूंदी मिक्सचर मिल रहा है, तो चलो अब मैं खाना स्टार्ट करता हूँ और खाना खाने फिनिश करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस खाना हो गया है और देखो हमारे बाद इतने सारे लोग बाकी है अभी खाने के लिए। यहाँ लाइन से चलते रहता है खाना, सबका बाकी सब अपना जाएंगे कि लेके आएगी तू ही, हमारा सब जा लेके हमारा। अरे वहाँ पैर में छूटेगा रहती, तो वहीं से तो उधर जाएंगे ना। हाँ तो चलो ना। गाइस मस्त पेट भर गया, अब अपने खाने का क्या करेंगे हम लोग, हम भी लाए थे खाना, उसको भी बाद में खा लेंगे। हाँ कार में बैठे बैठे खा लेंगे अभी, रख लो अपना ब्लॉगिंग कर लिए। गाइस ये जो आप एरिया देख पा रहे हो ये यहाँ मुंडन होता है, और यहाँ मेरा मुंडन हुआ था, रन्नू बेबी सबका मुंडन यहीं पे हुआ है। ये देखो और यहाँ बैठ के हम लोग खाना भी खा सकते हैं आराम से, अभी तो पेट इतना भर गया, हम अपना खाना क्या खाएंगे। पता है पहले मैं क्या करता था, जब हम लोग आते थे मम्मी पापा लोग के साथ, तब मैं यहाँ से कूदता था, रन्नू बेबी हम लोग पूरा पकड़म पकड़ाई खेलते थे, याद है बेबी? और बेबी पता है बेबी टकलू यहाँ पे आती थी वहाँ पे, और हमको देख के रहती थी, और रन्नू बेबी मैं कूदे पड़े हैं घूम रहे हैं, बेबी सोचती मैं भी कूद जाऊँ क्या। तो चलो हम लोग अपना चप्पल ले लेते हैं पहले, देख रहे हो कितना भीड़ है, अच्छा हुआ हम लोग जल्दी आ गए और सही टाइम पे हमारा दर्शन भी हो गया। ये आ गए हमारे शूज, पापा ले आए। ओ बेबी कैसा लगा खाना? मजा। पर अब हम लोग का खाना कौन खाएगा? हम लोग खाएंगे बाद में, घर जाके खाएंगे। तो चलो गाइस बहुत ही अच्छे स्पॉट पे चलते हैं जो स्पेशली बनाया गया है, जहाँ से व्यू भी बढ़िया आएगा और जहाँ पे हम लोग को मजा भी आ जाएगा, है ना। तो गाइस आते समय हम लोग इसी सीढ़ी से आए थे, लेकिन अभी हम लोग को जाना है पिकनिक स्पॉट, तो वो इसी साइड पड़ता है जो हमने आपको दिखाया था, जहाँ बंदर बैठा था एकदम खतरनाक वाला। ये रहा वो एरिया, यहाँ से हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये खुला खुला है बहुत, क्योंकि चढ़ गई बेबी हमारी पहली चढ़ गई। चलो तो चलो गाइस चलते हैं हम भी। Wow, guys. ये है पिकनिक स्पॉट। तो ये पिकनिक स्पॉट है नहीं, ये जो है ना इसको स्पेशली इस खम्बे के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या है ना यहाँ से इसको खोल दिया गया है ताकि हम भी यहाँ पे घूम सके। ये जो टावर देख रहे हो ना आप, ये इसके लिए बनाया गया था इस एरिया को।
यहाँ पे भी बैठे बंदर। अरे बाप रे, तो मोबाइल को मेरे को संभाल के रखना पड़ेगा। और देख रहे हो क्या व्यू आ रहा है यहाँ से गाइस, ये टावर बहुत बड़ा है, मैं तो ऊपर नहीं देख पा रहा। बाप रे, बहुत ही बड़ा टावर है, वाह मस्त है। चलो 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 ऊपर चले, चलो गाइस। अब देखो टावर थोड़ा दिख भी नहीं रहा यहाँ से, इतना ऊपर है ये टावर। हाय बेबी, पर ऊपर भी जाना है अभी। कहाँ जाना है? यहाँ, तो यहाँ फोटोग्राफी के लिए बढ़िया। ये देखो इधर अपना फोटो शूट चल रहा है। भाई, भाई, मेरा एक फोटो। और यहाँ पे देखो आप, खाई है यहाँ पे खतरनाक। अब वो रहा मंदिर, क्या मस्त व्यू है यहाँ से। गाइस आपको लग रहा होगा ये क्यों बांधा गया है, तो ये मन्नत के धागे यहाँ बांधे जाते हैं, जिसके भी मनोकामना रहती है वो यहाँ से बांधने से पूर्ण हो जाती है। ये देखो गाइस, इधर से व्यू बढ़िया आ रहा है, एक बार देखो। मस्त है गाइस एकदम व्यू। रन्नू भी हमारी, क्या मन्नत मांग रही रन्नू? रन्नू बता मेरे बारे में प्लीज, मांग ले यार मेरे बारे में, मेरे बारे में मांग ले। चल बाबू चल, मांग बना तो रहा हूँ, और किसको बनाने, यूट्यूब पे आएगा और किसमें वीडियो बनाने तेरे को। वाह वाह, रन्नू हमारी मंत्र भी पढ़ रही है। टाइट बांधेगी, और जोर से बांध, और जोर से एक दो गांठ और मार दे। अच्छा नहीं भाई, मेरे को पहने रहना है, पहनने में ज्यादा अच्छा लगता है, मैं नहीं वेस्ट करूंगा बांधने में। मैंने मन्नत मांग ली है वहां से, सब चीज तो वो संभालती है, माता रानी पूर्ण करेगी जो पूर्ण करना है उनको, जो अच्छा लगे वही करेंगी वो। ये देखो हमारी महारानी जी का फोटोग्राफी चल रही है। अरे अरे हाँ, क्या चाहिए? फोटो बेटा, मैं ब्लॉगिंग वाला हूँ, फोटो वाला नहीं हूँ। एक फोटो मैं खींची थी ना तेरी। नहीं नहीं नहीं, तेरा वीडियो बनाया हूँ मैं 4-5 बार। चुप रहे। हाँ मैंने बोला घर दर्शन भी कर लूंगी, घर बसा दे, किसके साथ शादी करवाए तेरी? वहाँ पास करा दो, वहाँ पास फेंक दू यहाँ से। नहीं घर बना, आ जाऊंगी कभी कभी घूमने उने या फिर। हाँ हाँ, तेरा ही तो घर है माता रानी हमारी। गाइस हो गया रील वील बनाना, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो बहुत ही मजा आया इस प्लेस में। चलो अब चलते हैं, अब हम लोग सोच रहे नीचे भी चल देते हैं, लिफ्ट में चलते हैं। लिफ्ट में नहीं जाएंगे? लिफ्ट में जाएंगे पर अभी कहाँ? अभी क्या जाना है? तो अभी यहाँ कुछ है क्या? गार्डन वार्डन? नीचे गार्डन। तो गाइस नीचे गार्डन है, पापा बोल रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पे देखते हैं, होगा अलाउ। चलो चलो चलो, गार्डन में झूला मिला तो हम खेलेंगे। बंदर, बाप रे। गन्नू इतना रील बनाई कैसा लगा? देखो आज तो तेरा इंस्टाग्राम भर गया होगा। स्टार्टिंग में सारे रील्स मैंने बनाए हैं, मेरा प्यारा भाई मेरी मदद करता है। इसके स्टार्टिंग में सारे रील मैंने बनाए थे आते समय। मेरा प्यारा भाई मेरी वीडियो बनाता है। प्यारा भाई, प्यारा भाई, ये भी देवी मेरे को प्यारा भाई बोल रहे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। मैं दोनों का तो भाई हूँ रे, तुम लोग का अलग अलग मम्मी बेटे हो। दे आराम से, आराम से, क्या कर रहे हैं? मेरे को गिरा देंगे इन लोग को। ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पे ज्योति कलश बैठती है, जब नवरात्रि के टाइम यहाँ पे ज्योति कलश बैठाया जाता है, और यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहता है। और बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हवन कुंड है, जो नवरात्रि में हवन होता है यहाँ पे यज्ञ। तो एक बार आपको दिखा दूं, ये जो आप रूम देख पा रहे हो, इन्हीं में ज्योति कलश को रखा जाता है, और यहाँ पे होता है पूजा।
तो अभी तो ये रूम बंद है, आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे ज्योति कलश भी है, तो इसी को हुई तो इसी को यहाँ पे अंदर रखा जाता है। तो अभी तो ये कुछ नहीं दिखेगा आपको क्योंकि ये बंद है, बस इतना ही बताना था आपके। नवरात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, पापा और मैं हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं नवरात्रि में, ऐसा एक भी नवरात्रि इनकी छूट जाए। बस इस साल जो है ना कोरोना की वजह से हम लोग नहीं आए। ये क्या कर रही हो? अरे ले ले, देखो ऐसे बजाते, चलो इधर जहाँ हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे भी एक पिकनिक स्पॉट है, चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ पे भी खाना खा सकते हो और यहाँ पे शौचालय भी है, सुलभ शौचालय। कन्नू पांडे इंग्लिश में बोले तो हाँ, ये पुराने वाले रोपवे का रास्ता था और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कमरे हैं, अतिथि विश्राम कक्ष, यहाँ पे होता है विश्राम, मतलब यहाँ पे जो आते हैं वो रुक सकते हैं। जो भी दूर से आता है तो वहाँ ये यहाँ पे रुकने का व्यवस्था है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आपको होटल भी लेने की जरूरत नहीं है, आप मंदिर में ही रुक सकते हैं। हाँ, ये जो है पहले ऐसा कुछ झूला था जो रोपवे था, पर अब जो है नया थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला बनाया गया है, पर उसमें डर ज्यादा लगता है, पहले वाले में डर नहीं लगता था ना? नहीं, वो हिलता कम था। हाँ यार, ये वाला एकदम शॉर्ट शॉर्ट, ये ज्यादा सेफ है, ज्यादा स्पीड है ना इसलिए चलते हैं। आज ये देखो कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, और ये देखो ये पहले वाला टूरिस्ट प्लेस है, अब जब ऊपर का नया बना तो इसको छोड़ दिया गया, वरना ये भी था। और इधर भी है और उधर से वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे अच्छा है पापा, पापा वहाँ पे चलो, वहाँ पे जाएंगे कि वहीं से कूद जाए। ये क्या है? फाउंटेन है, अभी चालू ही नहीं है। इधर से मंदिर का रास्ता है और इधर से एक नया टूरिस्ट प्लेस में जाएंगे हम लोग जो नया बनाया गया है, ये पहले बंद है, पहले जो है ना यहाँ से आते थे, अब ये इस साइड से रास्ता कर दिया इसका। गाइस सबसे बढ़िया व्यू यहाँ से आ रहा है, पूरा दिख रहा है आपको डोंगरगढ़, इधर देख पा रहे हो वहाँ पे पहाड़ भी दिखेंगे आपको, फेंक दे उधर शिवजी वाला पहाड़, हाँ वो बीच में त्रिशूल लगा है शिवजी के पहाड़ में, देख पा रहे हो, हवा तो बढ़िया चल रही है एकदम यार, ठंडा ठंडा मस्त। यहाँ पे पूरा डोंगरगढ़ का व्यू आ रहा है, इतना बड़ा शहर है करीब डोंगरगढ़, उधर से देखो वहाँ से स्टार्ट है, बहता होगा जब वहाँ बरसात का टाइम होता होगा तब बहता होगा, वहाँ पे देखो बोटिंग भी होती है। और हम लोग आए हैं इस वाले रोड से, नहीं पहले से कितना बस गया ना जी, डेवलप कितना हो गया ना यहाँ, ये देखो गाइस का जबरदस्त व्यू आ रहा है, थोड़ा फोटो वोटो ले लिए, वीडियो वीडियो भी बना लेते हैं अपन। ये तो देखो गाइस इधर क्या चल रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, रन्नू पापा भी इंस्टाग्राम चलाएंगे, अभी मजा आएगा ना वीडियो, पापा भी अपने इंस्टाग्राम पे अपनी और मम्मी की वीडियो डालेंगे। देखिए गाइस कैसा था, एक बार और एक बार अंदर बन गया, एकदम फर्स्ट क्लास, जोरदार था, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, घर में रहते तो अभी क्या करते, घर में रहते खा पी, हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, देखो फोल डांस कर रहे हैं। गाइस अब हम लोग आ गए हैं नीचे से ऊपर, अब हम लोग सोच रहे हैं चलते हैं नीचे अपने लिफ्ट के सहारे, क्योंकि मम्मी है तो हम लोग पैदल नहीं जा सकते सीढ़ी से, 92 में जाएंगे हम लोग, तो अब हमारा जाने वाला नंबर है 92। चलो गाइस तो जय माता दी, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे पहाड़ से,
माता के दर्शन भी हो गए बड़े अच्छे से। अच्छा हुआ हमारे जाते तक की कोई भीड़ नहीं थी ज्यादा, लेकिन जैसे हम लोग पहुंचे वैसी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अभी हम लोग वेट करते हैं अपने बारी के लिए, क्योंकि 92 थोड़ा लंबा है, शायद टाइम लग जाएगा। गाइस ये देखो हमारा आ गया, अब हम लोग जाएंगे इससे नीचे, फटाक से बैठते हैं, उतरने देते पहले इनको। गुड़िया आई थी तो मैं बैठ, अरे यार वैसे ही बैठा था आंटी, बोले गुड़िया को इधर। गाइस निकलते समय बहुत डर लगता है। अब हम लोग जाएंगे नीचे। गाइस ये देखो यहाँ रिंग लाइट है और हम लोग पहुंच भी गए थे जल्दी नीचे। ये आ गए हम लोग नीचे और यहाँ से हमें मिल गया एग्जिट। अब हम लोग जा रहे सीधा कार के पास। गाड़ी वहां पे रख दी हमारी, वो देखो कार दिख रही है। तो गाइस यार यहाँ तो और भी भीड़ हो गई है, सोचो हम लोग इतना लेट आए थे, फिर भी थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन अभी तो और ज्यादा टाइम हो चुका है तो और भीड़ बढ़ गई है। हमसे लेट भी कोई आता है मतलब, देखना है स्लीपिंग है। पर अपन सही टाइम पे आए थे। गाइस एक बार भीड़ देखो आप, यहाँ से पूरा का भीड़ है। अपनी कार ये रही, तो बैठते कार में और चलते हैं फिर। चलो उस साइड यहाँ से जाएंगे यहाँ। अरे अरे गाइस सुनो, इतना जल्दी वीडियो ऑफ मत करो, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क और यहीं पे नीचे जो पैदल जाते हैं वहाँ पे है पार्क। चलो चलते हैं पार्क तरफ इस साइड से, वो देखो झूला, वहाँ से हम लोग आए थे और अब हम लोग आ चुके नीचे। ये देखो गाइस इन लोग पहले से ही भाग रहे हैं, इन लोग को झूला झूलना है ना। हाँ चल चलो ऊपर चलो, सुंदर चुन्नी है। तो ये नीचे तो अभी पूरा बंद हो गया, ये सिर्फ नवरात्रि के टाइम पे यहाँ भीड़ रहती है, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं रोप वे से, तो रोप वे ही ज्यादा चलती है आजकल, इतना नहीं चल रहा ये। ये देखो गाइस यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, अगर आप यहाँ पे पैदल सीढ़ी से चढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें दिखेंगी और यहाँ पे आपको शॉपिंग भी कर पाओगे। यहाँ पे कड़ा भी है, देखो क्या मैं अपने लिए। गाइस ये देखो झूला झूल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे झूला है पर अपन नहीं जा रहे क्योंकि अपन को जाना है यार मंदिर। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, हम लोग इस व्लॉग का पार्ट 3 बनाएंगे और अभी मैं आपको बता दूं पार्ट 3 में क्या आने वाला है। पार्ट 3 में हम लोग अभी जाएंगे, इस वीडियो में नहीं दिखाने वाले, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे मंदिर जो नीचे है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, लेकिन इस पार्ट में हम लोग उसको नहीं दिखाने वाले। ये वाला पार्ट सिर्फ बमलेश्वरी मैया का था, तो इस पार्ट को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। छोटी बमलेश्वरी मैया का हम लोग दूसरे पार्ट में करने वाले हैं, तो कन्वर्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट भी आएगा इस वीडियो का। तो इस ब्लॉग का पूरे एक ब्लॉग का हमारा 3 पार्ट बनने वाला है, तो तीनों पार्ट को देखना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए करते हैं ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू तो कर देना, सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा।
गोल्ड तो नहीं है ना, गोल्ड जैसे लग रहा है, पर ये शायद पीतल है। वहाँ पे ये ऊपर चढ़ चढ़ के बनाते होंगे, कितना बढ़िया दिख रहा है। वहाँ पूरा मंदिर अच्छे से, मैं मंदिर से मिल गया, ये पूरा गोल्ड का है, बता दूँ आपको।